मम्मी पापा के डेथ के बाद ना हम दोनों ही तो थे भाई बहन। इसकी आंखों में ना मैं कभी आंसू नहीं देख सकती एंड आई एम श्योर कि तेरे होते इसे कोई दुख तकलीफ छू भी नहीं सकता। जिस तरह तूने सरब को, परम को और इस घर को संभाला है ना, उस तरह तो शायद सिमरन भी ना संभाल पाए। जब से तू इस घर में आई है ना, सरब और परम की जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। मैंने पहले कभी भी सरब और परम को इतना खुश नहीं देखा था, और इन दोनों की खुशी की वजह है तू। इन दोनों की जोड़ी रब ने खुद बनाई, और जिस घर के ऊपर रब की मेहर हो ना, उस घर में सिर्फ खुशियां ही बसती हैं। आपके होने वाले बेबी के पापा का नाम सरबजीत सिंह है। जी तो देखिए हाथ और पैर क्लियरली दिख रहे हैं। आई हैड अ स्मॉल रिक्वेस्ट सर, आप अपने रिकॉर्ड्स में महर जी का नाम अपडेट कर दीजिए एज पर हम्स मदर। ये लो, ये मानव का कुछ सामान है। परम खेलेगा मेरे साथ? नहीं, आप परम को डांटती हो। खेले बुद्धू, बस थोड़े ही दिन हूँ मैं पापा मम्मा हम तीनों वापस कनाडा जा रहे हैं। अब तो परम के साथ कोई खेलने के लिए नहीं रहेगा, परम अकेला रहेगा। परम के साथ कोई खेलने आने वाला है, वो आपके तरह परम को बुद्धू बुद्धू भी नहीं बोलेगा और परम को डांटेगा भी नहीं। कौन आने वाला है? है कोई, वो बड़ी दूर से आएगा, बाबा जी भेजेंगे उसको मैजिक से। वो परम की सारी बात मानेगा, परम उसे अपने सारे टॉयज दे देगा, सॉफ्ट टीपी, परम उसको अपने लव स्टोरी भी सुनाएगा, पीपा परम उसको जॉनी जॉनी भी सुनाएगा। लेकिन कौन है वो? बताना परम, बताना प्लीज। पर नहीं बताएगा, मैं मामा ने मना किया है। इसम का मतलब मेहर है या मानव? इसम का मतलब है मानव पे रब दी मेहर।
और ब्याह के बाद ना इससे बड़ा घर होगा हमारे पास, बट वो बड़ा सा घर सरकारी होगा। मैं तो अपने घर की बात कर रही हूँ। मैं भी अपने घर की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, बोल तो ऐसे राय जैसे पता नहीं तूने ये फ्लैट बुक कर लिया हो। ऐसे ही समझ ले। कहता था ना मानव, दिलों को जोड़ने वाली भी किस्मत है। किस्मत के क्या, और दिलों को तोड़ने वाली भी किस्मत। जिस किस्मत ने तेरा और मेरा दिल तोड़ दिया, वही किस्मत मुझे परम से इस घर से सरबजीत जी से जोड़ रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे दूर होने की, अलग होने की कोशिश नहीं करी। मैंने बहुत कोशिश करी सच में। वैसे किस्मत के लिए रब दी मर्सी, जितना इनसे दूर जाना चाह उतना ही पास आती गई। और जब तक तू तेरी यादें, तेरा नाम मेरे अंदर है ना, तब तक मेरे अंदर किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। अधूरी जिंदगी जी रही हूँ मानव, और शायद यह अधूरापन कभी कम नहीं होगा। लेकिन हमारे बच्चे को मानव एक पूरी जिंदगी का हक है, और ये हक मैं उससे कभी नहीं छीन सकती। इसलिए आज मैं अपने आप को खाली करने आई हूं। एकदम खोखला, ताकि इसे रणजीत सिंह गिल का नाम दे सकूं। से इसके पिता सरबजीत सिंह गिल है। जब कोई हमें बहुत प्यार करता है ना मानव, तो हमें ताकत मिलती है। लेकिन जब तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो ना, तो हिम्मत मिलती है। आज तेरे मेरे प्यार की इस निशानी ने मुझे हिम्मत दी है। मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरी यादों को बहा दूं, इस उम्मीद से कि आज के बाद मेरी जिंदगी में फिर कभी लौट के ना आए। हो सके तो मुझे माफ कर दियो मानव, हो सके तो मुझे माफ कर दे।
दिल्ली दे बच्चे होमवर्क कौन करेगा? होमवर्क नहीं मिला आज। अच्छा जी, जरा लाना तो अपनी डायरी। एंड गिव मी योर डायरी क्विकली। डायरी तो मैं स्कूल में ही भूल गया था। स्कूल में? यूवी, ये तुम्हारे बैग में इतनी सारी पेंसिल्स और रेजर्स? और चित्तो चाची, ये तो मेरे फ्रेंड्स ने दी थी। यूवी, सच सच बता, तूने किसी से छीना झपटी तो नहीं करी ना? क्या मैं आपको डाकू लगता हूँ? मैंने आपसे बात नहीं करनी मम्मी। खट्टी यूवी, दादी, ओ दादी, यूवी मेरी बात सुन। हाँ हाँ, मैं स्यापा मिटा दूंगी। दादी, 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 की होया उनकी गड़बड़ कितनी तेरी माँ ने? दादी मेरे को हर वेले डांटती रहती है। बच्चों ने मेरे को खुश होके अरेजर और पेंसिल ले दी है और मम्मी कह रही है किसी से ली नहीं ना। यूवी बता दे, तुझे तो बहुत मारूंगी। अच्छा मैनू ये दस, बच्चों ने तुझे पेंसिलें ऐसे कैसे दे दी, बता मैनू। नहीं दादी, मैंने उनको पार्टी दी थी ना इसलिए। जो अपने पैसे दिए थे ना उनके मैंने सब बच्चों को समोसे खिला दिए। पहले दिन ही मैंने अपना स्कूल में झंडा गाड़ दिया। दादी मेरा शेर, दादी दा पुत्र, एले पुत्र समोसे के साथ साथ ना लस्सी भी पिला देना। थैंक यू दादी। And give me your diary quickly. Yes, ma'am. I want your parents' signature by tomorrow, positively. Yo, yeah. Daddy, जल्दी से ना इस पे sign कर दो आप। ओ, ये अंग्रेजी में क्या गिट पर लिखा है? दिखाओ दादी। Very Miss Avius doesn't behave talkative. इसका क्या मतलब है? दादी इसका मतलब यूवी की इंग्लिश बल्ले बल्ले और सारे रह गए पीछे कल्ले। वाह जी वाह, दे मैं साइन करा। जल्दी करो दादी। वाह जी वाह। तारी सरपंच आले पर। थैंक यू दादी। वाह जी वाह, हुन मेरा यूवी भी परम की तरह फर फर इंग्लिश बोलेगा। मम्मी क्या है ये? हमारी क्यूट सी प्यारी सी फैमिली। पापा मम्मा और पीफा परम। वाओ! इसे कहाँ लगाए? यहाँ लगाए? हाँ मैं मम्मा, यू आर राइट। पुत्र जी, ये देख रहे हो? आज मैं मम्मा एकदम डिफरेंट लग रही है, एकदम न्यू। इसलिए परम पुत्र जी, क्योंकि आज आपकी मेहर मम्मा ने बहुत दिनों के बाद नहीं की। पता है मुझे मेहर मम्मा के चमचे। बताओ ना पापा, आज मेहर मम्मा न्यू क्यों लग रही है? वो क्योंकि आज सच में मैं आपकी मेहर मम्मा बन गई हूँ। लेकिन मेहर मम्मा तो फैमिली शुरू से ही मेहर मम्मा।
फोटो खिंचवाएंगे? चारों की, पापा की, मैं मम्मा की, अब पैम की और छोटे से बेबी की। मैं मम्मा छोटा सा बेबी कब आएगा? आप तो कह रहे थे छोटा बेबी आएगा, अभी तक आया क्यों नहीं? परमपुत्र जी, पापा ने आपको बताया था ना कि अभी बाबा जी ने छोटे बेबी को मेहर मम्मा की टमी में डाल दिया। ओफो, लेकिन आएगा कब? परमपुत्र, 6-7 महीने। इतनी देर से? परमपुत्र, आपको पता है 6-7 महीने बाद ना खूब सारी परियां मून्स और स्टार्स के साथ धीरे 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 छोटा बेबी परम के पास ले आएंगी। सच्ची मामा? मुची। और फिर जैसे जैसे बेबी पास आएगा, मेहर मम्मा का टमी धीरे धीरे खुशी से फूलता रहेगा। मैं कोई जोक सुना रही थी जो आप इतना हंस रहे हैं? नहीं मैं जी, बट ऑलमोस्ट जोक ही था। अब आप, इट्स 2019 और आप जनरेशन जेड को मनोहर कहानियां पढ़ा रही हैं। मतलब परियां आएंगी मून और स्टार्स के साथ छोटा बेबी लेकर आएंगी, इट्स जोक ओनली। तो और क्या बताती मिस्टर चटन टॉयलेट? गुड नाइट सरब जी। जी है? वो परम एक्चुअली रोज मुझसे पूछता है कि मेहर मामा मैं रात को आपके साथ सोता हूँ लेकिन सुबह पापा के साथ उठता हूँ। आई गेस आपके और मेरे बीच में इतना भरोसा तो है अब आप पर मैं कमरे में सो पाए। आप फराटे तो नहीं मारती? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं मारता हूं।